इसके बीच में रखे हैं, देखिए प्रैक्टिकल सही होता है कि नहीं है ना जी। है ये कौन चीज? डब्बा, गिलास, इसमें कुछ डाल दीजिए पियेंगे। है जो है ना इसे ऐसे ना, है ये सिक्का, इस पर रख दीजिए, रख दिए। तो देखिए खजाने अगर ठीक से प्रैक्टिकल हो, नियम वही है जो जड़त्व का नियम है, मैंने जड़त्व के नियम पर ही पहला नियम आधारित है। ये भी कहता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, विराम में है तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, बाहरी बल लगाकर ही उसको उसका अथी परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए बोतलवा दीजिए जो अभी उसको साफ किया जा रहा है, दीजिए तो बोतलवा लाइए, बोतल लाइए, बोतल का तो मुड़िए काटना पड़ेगा। और कूट देखो तो कूट है वहाँ पे, वो दीजिए तो हाँ दिख रहा है जी, इसमें दिख रहा है ना, ये तो बहुत अथी नहीं है भैया, ये उठ पटांग कट गया है। देखो सिक्का तो सिक्का है ये, अभी सिक्का मेरा हो गया। बहुत खचरा ले गया भाई। इसके बीच में रखे हैं, देखिए प्रैक्टिकल सही होता है कि नहीं, है ना जी। है ये कौन चीज? डब्बा, गिलास, इसमें कुछ डाल दीजिए पियेंगे। है जो है ना इसे ऐसे ना, है ये सिक्का, इस पर रख दीजिए, रख दिए। तो देखिए खजाने अगर ठीक से प्रैक्टिकल हो गया तो उठाइए। देखो इंक्लाइंड हो जा रहा है, तुम देख नहीं रहा, देख रहा है कि नहीं? इंक्लाइंड तो नहीं ऐसा होगा तो ये फोर्स लगाने लगेगा, ऐसे जब मारेंगे तो ये लेते जाएगा साथ है, और जब एकदम एकदम लेवल में रहेगा ऐसे एकदम ऐसे, तो कस के मारिएगा ना फटाक से ना, तो एकदम यहीं पे गिरबे करेगा। हेलो, अब ये जो है सुनो, देखा कि नहीं देखा है, इसका मतलब हुआ कि ये विरामावस्था में था, हम उसकी मतलब कि प्रैक्टिकल दिखाओ तरह से हो ही नहीं, ठीक है। ये जो था विरामावस्था में था, इक्के बैग जब गति की अवस्था में आया है तो हई चाह रहा था कि जौन अवस्था में थे वही अवस्था में रहेंगे, आ होकरा के जब मारे हैं ऐसे ना तब बाइक के झोंक में एकदम हाई स्पीड में गई है, हई कहता बबुआ हो जहाँ बानी वहीं रह गई आके इसमें गिर गया, समझ रहे ना। ये है आपका जड़त्व का नियम कि गति में बाहरी बल लगाने के चलते ना गति में आया है जी, आ इस पर बाहरी बल नहीं लगा है तो अपने जगह पे था तो वहीं पर गिर गया है। तो ये जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है समझे हैं। तो इसके बारे में चर्चा हुई, कल मिलते हैं छोटे से।